वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है पिछले 5 मिनट से लिफ्ट में। नहीं, ये इतना तुमने क्यों नहीं वो करा? ये डबल मास्टर्स खड़ी हुई है, PhD। ऐसा नहीं है, मास्टर्स की टॉपर। गजब बेइज्जती है। इट्स ओके, नहीं तो लैपटॉप थोड़ा था ये क्लोज का। खैर ग्राउंड दबा दो ना। चलो भाई, तो खैर सलाम नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और अभी हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, तो जो है हमने टैक्सी अभी आने वाली है, इतने हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं थोड़ी सी देर में। और ये अकरमा ने आज पहना है ब्लैक और इकरा ने भी पहना है ब्लैक। और मैंने इकरा दिखाओ मैंने कैसा पहना है। ये आ चुकी है और हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। चलो जाओ, तुम भी जाओ और इसके बाद भी ये नीचे देखो बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़लो करम से और जितने भी वेल विशर्स जो हैं उन सब की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अकरमा इकरा और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हमने सोचा आज के हम ग्लोबल विलेज जाते हैं, क्योंकि कई मरतबा से दुबई में हम लोग ग्लोबल विलेज नहीं जा पा रहे थे क्योंकि, तो हमने कहा कि इस मरतबा भी हम वक्त निकालते हैं ग्लोबल विलेज के लिए। तो ये हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। ये देखिए, ये मैंने बाहर से बनाया था वीडियो, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस तरीके से ये इसको जो इन लोगों ने डिज़ाइन करते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और आ चुके हैं हम लोग ग्लोबल विलेज में। आ जाइए, तो हम आ चुके हैं ग्लोबल विलेज में और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे। पहले आई थी मैं, जानी देखी हुई और बहुत नींद भी आ गई थी रास्ते। तो हम जब यहाँ पर आए थे तो सूरज बहुत ज़्यादा अच्छा तेज़ निकल रहा था, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम ऐसे जाएंगे कि जो है हम लोगों को दिन भी मिल जाए और रात भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ग्लोबल विलेज रात में कैसा लगता है। तो ये देखिए उसका गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लोग सब बाहर आपके वेलकम के लिए खड़े होते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे टिकट चेक हो रहे हैं, ये जो है ऑनलाइन कर लिया था पूरा, तो इसलिए हमारे हो रहे हैं। अब ये इतना निकल गई और अब ये मैं निकल रही हूँ। तो ग्लोबल विलेज का जो इन लोगों ने सेटअप तैयार किया हुआ है ना, तो वहाँ ऐसा लगता है जाकर जैसे कि आप जो एक हम जो पहले बच्चे कार्टून देखते थे और सब वो देखते थे ना इस तरीके से, कि अलादीन और ये सारी हातिम वो सारे जो चलते थे उस टाइम, तो वो सब जो देखते थे तो उस तरीके के सेटअप होते हैं। कहीं पर ऐसा लगता है आप किसी महल में आ गए, कहीं कुछ होता है, अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पर बिल्कुल सेटअप है। और बिल्कुल आप जब उस कंट्रीज़ में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस कंट्रीज़ के जब आप उसमें जाते हैं सेटअप में, तो लगता है कि आप उस कंट्री के अंदर ही हैं जैसे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही हम दाखिल हुए तो हमें सामने ये स्टेचू दिखा, शायद ये थाईलैंड के लोग खड़े हुए हैं आप। ये शायद ये जो है थाईलैंड का लग रहा है मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये थाई मसाज के लिए खड़ी हुई है यहाँ पर, ये आपको मसाज करेंगे थाई मसाज। फ्री में तो ये है कुवैत का हॉल है, ये कुवैत। और ये उधर है यमन, वहाँ पर इजिप्ट है। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इधर तुर्की है, वो जो है वो तुर्की दिख रहा है वहाँ पर। और ये क्या है, फ्लोटिंग मार्केट। ये फ्लोटिंग मार्केट है जिसमें आप जो है बोटिंग करते हुए खाते रहिए सारा सब कुछ। ये देखिए, ये
फोटो खींचो तुम। और यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आई तो एकदम से जो है ये लोग सब आ गए, और आकर ये लोग खूब अपना सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर लोग इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो वो किसी किसी को ही सिलेक्ट करते हैं कि हम इनके आसपास घूमेंगे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पर घूमते हुए। और ये देखिए, ये इंडिया का सेक्टर आ चुका है, हम लोग आ चुके थे इंडिया के सेक्टर में। तो इन लोगों ने ये बाहर से देखें किस तरीके से ये राजस्थान का पूरा जो सेटअप लगाया है ना, इस तरीके से बाहर से लगाया हुआ है इन लोगों ने हवा महल का। और ये है इंडिया का, इंडियन देसी चाट, दिल्ली वैली, डोसा, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं इधर यहाँ पे, और खाते हैं कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ पर, देखते हैं। और वहाँ पर इतना बड़ा ये ग्लोबल विलेज जो है, ये बहुत बड़े एरिया में लगता है। हम लोग हालांकि रियाद में भी बॉलीवुड उसके अंदर गए थे, रियाद सीज़न में हम वहाँ पर, वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। लेकिन एरिया के अंदर आई थिंक ग्लोबल विलेज जो है शायद ज़्यादा बड़ा है मेरे ख़्याल से, वो भी बहुत बड़ा था। और हालांकि ये देखिए, हम आ गए कतर वाले सेक्शन के अंदर, आ गए थे कतर सेक्टर में। तो जैसे जिस भी जो भी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे फ़लस्तीन आया है अभी, ये लेबनान है, तो इन कंट्रीज़ के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल, चाहे वो ड्रेसेस होंगे, चाहे वो खाना पीना होगा, रहन सहन जो भी है उनका, वो सब कुछ यहाँ पर एक बड़े पैमाने के ऊपर पूरा वो दिखाते हैं सारा। तो आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस भी कंट्री से आपको ख़रीदना है कुछ भी, तो आप वहाँ जाइए आराम से करिए, जहाँ के भी ड्रेसेस आपको अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगाया हुआ होता है ये। ये था चाइना, यहाँ पर आगे चाइना पे, और ये है ओमान, और उधर है अफगानिस्तान। और यहाँ पर आके बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आप अपने बचपन को जी रहे हैं। तो अब हम आ चुके थे जापान वाले सेक्टर में, तो यहाँ पे आप देखिए जापान का पूरा जो खाना पीना है, वो भी जापान का जो भी वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है, वो सब यहाँ पर मिल रहा था। और ये इन लोगों ने झूले भी लगा रखे थे जापान वाले सेक्टर के अंदर, ये देखिए झूले लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे कि जो है आप अपना बचपन जी रहे हैं ऐसी जगहों पर आके। और ये आ रहे हैं अकरमा और इकरा, मेरे बच्चे आ रहे हैं दोनों, जिन्होंने अपने अब्बी के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से माशाल्लाह से। अल्लाह उम्र दराज करे और हिफाजत करे आसिदों से, शर इंसानी शर शैतानी से हिफाजत करे अल्लाह। पास था एकदम से।
तो हम जा रहे हैं अभी तुर्की में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है सामान, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बाहर बाहर घूम रहे थे, अंदर नहीं घूम रहे थे। तो हम लोग ये जो सॉफ्टी वाला करते हैं, ये यही करते हैं ना, ये वाला खेल इखलास से करवा। और यहाँ पर ये लोग जो तुर्की जो था वहाँ पर जाके ये दोनों बच्चे कुछ सामान खरीदने लगे थे, गिफ्ट खरीदने लगे थे लोगों को देने के लिए। यहाँ पर काफी अच्छा सामान था इसमें। ये देखिए ये ड्रेसेस मिल रहे हैं, ये सारे ही वूलन ड्रेसेस हैं जो आपको कहीं और तो मिलते नहीं है, आसानी से नहीं मिलते हैं ये, तो ये खूबसूरत लग रहे हैं काफी। यहाँ पर मिल रही थी छोटे छोटे फ्रॉक्स मिल रही थी बच्चों की, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स मिल रही थी यहाँ पर। ये देखिए वाइट कलर की कितनी प्यारी सी फ्रॉक है ये। हाँ ये जो है ये वाला 250 का है, ये वाला 250। व्हाट इज द डिस्काउंट? हाउ मेनी पीसेस यू वांट? यस ओनली वन। आई विल गिव यू द 20। 220 200 लास्ट कम। ओके चूज द कलर। ये आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। ये मैडम द शॉर्ट, ये तो मैंने खरीदा है इस टाइप का वहां से। ओके सी वी हैव द शॉर्ट, सी दिस इज आवर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? सेम मैडम, सेम 250। या ये दिस इज द 250। वी हैव 15 कलर्स। 250 को इनटू आप कर लीजिए 23 से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने का ड्रेस है। ठीक है अब मुझे लग रहा है कि वहां पर सस्ता था 250 का देख के ऐसा लग रहा है। अम्मा को मैं सारे में ढूंढ रही थी, यहाँ पर लाइट जल चुकी है अभी और ये मिले यहाँ पर मुझे बैठे हुए। अक्रमा क्या पी रहे हो? अक्रमा क्या पी रहे बेटा आप? कानों ने कुछ गलत सुना। अक्रमा बचपन से आप ही सिखाया है मैंने। उस वाले जाइए। और क्योंकि रात हो चुकी थी तो लाइट जल चुकी थी। ये देखिए ये पाकिस्तान का सेक्टर है ये वाला, इसमें भी बहुत खूबसूरत कपड़े थे। अभी हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको, हमारे साथ साथ रहिएगा वीडियो में। तो पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस मिलते हैं। तो ये अब रात में हम घूम रहे थे और ये हमने ली थी कॉटन कैंडी इकरा के लिए और मैं इकरा को छेड़ रही थी इस तरीके से। खाएंगे नहीं बल्कि इकरा को देंगे। Thank you.
ये यहाँ पर गेम वगैरह है, ये सारे जो है चल रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े भी जीते हैं लोग, पता है। ओ ये वाला झूला जो है ना, वो वाला झूला, ये झूला, ये वाला जो झूला है ना क्रम, हाँ ये बनाने लोग बहुत। कहाँ के लोग हैं? यहाँ अंदर आइए ना, तो ये करना है, खाना है। और ये जो अंदर चाबी बनी हुई है ना, हल्की सी चाबी, छोटी सी, इसमें ये हल्की सी, ये जो बीच में टूटी है ना, इसे काट। ये ऊपर तो आया ही नहीं, क्या ऊपर तो आया ही नहीं, वो लंदन आई है ना। हाँ। वो है लंदन आई, और यहाँ पे ये सारा झूलों का सेक्टर है जो होता है ना हमारा, सारा झूले है यहाँ पर सब। हाँ ये दुबई है, ये This bag? 95 दरहम का है वो। तो अभी हम रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं कोरिया में अंदर, देखते हैं कि कोरिया में क्या क्या है वहाँ पर। बोलकर आई थी कि मैं यहाँ पर कोरिया में हूँ, तो उन्होंने हेल्प की है मेरी। हाँ थैंक यू बोल दो उनको। दे ऑल आर फ्रॉम केरला इंडिया, हम लोग भी इंडिया से हैं, दिल्ली से। थैंक यू। ईरान का था ना तुमने? और ग्लोबल विलेज में ज़्यादातर सेक्टर कवर करने के बाद अब हम आ चुके थे यूरोप वाले सेक्टर के अंदर, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चश्मे मिल रहे थे। और ये इकरा लगा लगा के देख रही हैं चश्मे, यहाँ से इन लोगों ने, अक्रमा ने भी ख़रीदे हैं काफ़ी चश्मे, पहले भी ये ख़रीद चुके हैं ग्लोबल विलेज से, जो इन्होंने पता नहीं किसी को दे दिया था क्या हुआ था। और अभी भी ये जो है इन्होंने ख़रीद रहे हैं ये लोग दोनों बच्चे, तो मैंने कहा तुम लोग ख़रीद लो, जो भी तुम लोगों को पसंद आता है वो ख़रीद लो। बहुत ही खूबसूरत चश्मे हैं जो आमतौर पर
आपको शहर में अगर आप हैं तो वहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको जो है मतलब चॉइस जो है ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत चश्मे हैं ये, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाया था, अकरमा ने माशाल्लाह से यहाँ से काफ़ी चश्मे ख़रीदे थे। मैंने इकरा से कहा कि बेटा तुम भी ले लो अपने लिए, तो ये इकरा लगा लगा के देख रही थी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इतनी प्यारी सी डॉल सी लगती है, माशाल्लाह से अल्लाह उम्र दराज करे, दोनों बच्चों के रिस्क में बरकत दे, उम्र में बरकत दे अल्लाह ताला। तो ये देखिए चश्मे यहाँ पर जो थे ना, ये फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, और जो लड़के बॉयज़ जो होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। तो खैर ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर चश्मे, देख ही क्या रहे हैं, लोगों ने तो ख़रीदे भी थे, काफ़ी चश्मे ख़रीद लिए। ये देखिए ये जो है ये बॉयज़ का था, और यहाँ पर इन लोगों ने गर्ल्स के रखे हुए थे सारे, और जो है दो ले लिए हमने, दो ले लिए एक हमारे पास जो पहला था उसके थोड़ा उसके जैसा है, अच्छे खासे दाम पे थोड़ा उसके जैसा है। और ये जो है ना ये है इनका, इन्होंने कहा है कि ये पोलराइज़र टेस्टर है, मिट लग गई इस मामा, नाउ यू सी यस शो यू सी द कार हाय सर कम सर द ग्लास है चेक चेक मामा और चश्मे लेकर ये लोग बच्चे निकले थे बाहर, तो वहाँ पर हमें नज़र आ गया था हैरी पॉटर स्टोर, तो जिसमें हम लोग जा रहे थे। ये देखिए हैरी पॉटर स्टोर, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो बच्चों को शायद ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि हैरी पॉटर के दीवाने होते हैं बच्चे क्या बड़े भी शायद। हम रशिया में देखिए क्या क्या है, देखते हैं कि रशिया में क्या क्या मिल रहा है। ये सामने ये देखिए Not touch बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी पड़ती ही नहीं है वहाँ पर। तो हम जा रहे हैं तकसीम तुर्किश रेस्टोरेंट के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या खाते हैं। अहलन व सहलन, यानी अहलन व सहलन का मतलब होता है वेलकम। और ये लिफ्ट खुल गई है, और चलिए अब चलते हैं। बाई वोजल ग्रुप का है ये, सुबह के निकले हुए हैं, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये जो है छत है इनकी, और यहाँ ये देखिए ऊपर से नज़ारा, ये सब टाइम।
तो हम आ चुके थे तकसीम, तकसीम ही है, तकसीम पैलेस में आ चुके थे हम। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे डिनर। तो यहाँ से जो ग्लोबल विलेज का नज़ारा था वो आप देख सकते हैं, छत से कितना खूबसूरत लग रहा था। और ये हम लोग खाना खाने लगे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था इन लोगों का, काफ़ी जायका बहुत था उसके अंदर खाने में। तो हमने कहा कि हम यहीं खा लेते हैं, क्योंकि इसका जो व्यू था ना वो बहुत खूबसूरत था, जो छत के ऊपर इन लोगों ने सेटअप लगाया हुआ था। ओके मैम, चले दिए तो दिखा दे कहाँ कहाँ आया था। खाना बहुत अच्छा था, तर्किश, तकसीम, तकसीम, हाँ। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम पाकिस्तान में अंदर जाके आपको वहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके के कपड़े और जूतियाँ वगैरह मिल रही हैं वहाँ पर। तो हम खाना खाने के बाद आ गए थे पाकिस्तान के अंदर के सेक्टर में, और वहाँ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सामान मिल रहा था। दुपट्टे तो इतने खूबसूरत थे कि देखने ही लायक थे, दुपट्टे, सूट और जो भी उनकी पंजाबी जूतियाँ जो कहलाती हैं, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सब डेकोरेट किया हुआ था। ये यहाँ पे सूट मिल रहे हैं जो कि वहाँ की के कपड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान में इन्होंने हर तरीके के जो, ये देखिए ये बटवे देखिए कितने खूबसूरत बटवे लग रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये पता नहीं वीडियो में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये हैं सब पंजाबी, इनकी जो जूतियाँ कहलाती हैं वो हैं ये, इनकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये भी देखने के अंदर वीडियो में आई हैं या नहीं आई मुझे नहीं मालूम। तो जो है ये देखें आप, बहुत खूबसूरत कलर थे, मतलब आप अपने सूट के साथ मैचिंग कर सकते हैं और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये सब यहाँ पर देख के। ये आते हैं पैर पकड़ने में आपको, कट पैर, विन भैया ज्यादा जे सॉफ्ट है और ये फोर सीजन है। वेलवेट है ये? वेलवेट है बड़ी। हेलो हेलो भाई, ये ब्लीक है ये वाली, एक वेलवेट होती है थिक वाली। बहुत रिवाज है ना, तुझे पता चल गया जी। तो इकरा को ब्लैक कलर का दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और उन्होंने वो ले लिया, और भी उनको दुपट्टे बहुत पसंद आ रहे थे। मैंने कहा कि जो अच्छा लगे देख लो। चलो वेलकम पाकिस्तानी सूट रेडी मेड मुझे ये देखो कॉटन के सूट, साहिवाल के सूट, इनके यहाँ तो हिजाब ही नहीं मिले। चलो अकरमा कहाँ गया, चलो बस देख लिया, बहुत है। इकरा कह रही है कि एक आदमी की तनख्वाह 10 करोड़ रुपए महीना होनी चाहिए ताकि इंसान शॉपिंग कर सके, नहीं तो फिर विंडो शॉपिंग ही करनी होती है, विंडो शॉपिंग। ये देखिए जैकेट्स, ये वो, सर्दी का मौसम सारा। और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से बाहर, और जाते जाते इस पे और दिखा देते हैं। ये देखिए कपड़े, दुपट्टा जिक्रा और शायद अब हम चलते हैं बाहर, क्योंकि काफ़ी घूम लिया हम लोग, आए हुए हैं शाम के जो है काफ़ी, मतलब हो गया, हम आ गए थे 4 बजे और अभी पता नहीं, घड़ी देखी नहीं है मैंने कि क्या टाइम हो रहा है।
और जाते जाते इकरा को इन लोगों को तुर्की का सामान बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो अक्रमा और इकरा ख़ास तौर से तुर्की वाले सेक्टर में चले गए थे काफ़ी सामान, और उन्होंने कहा मामा गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं देने के लिए, तो ये लोग ख़रीद के लेकर आ रहे हैं। बस अब जा रहे हैं हम, बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं अब यहाँ से, और ये देखिए खूबसूरती, रात में ऐसा लग रहा है ये ग्लोबल विलेज रात में। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें ये ग्लोबल विलेज के, तो आपको पूरा ग्लोबल विलेज मैंने दिखाने की कोशिश की है। वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप जाते हैं अपना अपने आप को इन्जॉय करने के लिए, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं कि चलिए हमारे ज़रिए हमारे व्यूवर्स भी देख लेंगे उस जगह पर, क्योंकि हर इंसान तो ग्लोबल विलेज में नहीं आ सकता है, तो वो हो सकता है कि हमारे वीडियो से देख सके कि ये ग्लोबल विलेज बहुत सुना है दुबई का, तो लाओ देख लेते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको शायद अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी मैं दुबई में जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ की वीडियोस में बना रही हूँ, और आपके लिए मैं ज़रूर अपलोड करती रहूँगी। बस मोटिवेट करने के लिए आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब जो है वो बच्चों के कहने पर दोबारा से मैं आई हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरे जो शौहर थे उन्होंने ही ये चैनल मेरा बनवाया था, और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई जिसे कहते हैं, तो बच्चे मुझे दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा गम है अपने अब्बी के जाने का, तो अब हम जा रहे हैं घर पर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और हम काफ़ी देर के निकले हुए हैं। आप हमारी दुआओं में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हमारे लिए भी दुआएं करते रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए बाहर से ग्लोबल विलेज का रात का नज़ारा।